आगरा में मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था की कमान यूपीएसएसएफ के हाथ में रहेगी। यूपीएसएसएफ के कमांडेंट राम सुरेश यादव ने मेट्रो के अधिकारियों के साथ बैठक की। कमांडेंट राम सुरेश यादव आगरा में पहले सीओ सदर रह चुके हैं। सीआईएसएफ की तर्ज पर यूपीएसएसएफ का गठन किया गया है। मेट्रो रेल की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपीएसएसएफ के हाथ में रहेगी। उत्तर प्रदेश में नवगठित यूपीएसएसएफ का कमांडेंट राम सुरेश यादव को बनाया गया है। 2024 के फरवरी महीने में आगरा मेट्रो ट्रेन शुरू हो सकती है। यही वजह है कि सारी कसरत पूरी की जा रही है। यूपीएसएसएफ के कमांडेंट राम सुरेश यादव आगरा आए। यूपीएसएसएफ के कमांडेंट राम सुरेश यादव ने मेट्रो अधिकारियों के साथ बैठक की। हम लोग आज यहाँ आगरा मेट्रो की सुरक्षा संबंधित एक मीटिंग रखे थे आगरा मेट्रो के अधिकारियों के साथ, जिसमें निकट भविष्य में मेट्रो संचालन होगा तो इनके अधिकारियों के साथ कितने कर्मचारी लगेंगे, कहाँ लगेंगे, क्या क्या व्यवस्था होनी है और कैसे होनी है, एक आपसी तालमेल और सामंजस्य बिठा करके जो है हम लोग काम करेंगे उसी संबंध मीटिंग की। तो इन लोगों का जो रवैया बड़ा अच्छा रहा और आगे हम लोग मिलकर के इसको अच्छा। यूपीएसएसएफ कमांडेंट राम सुरेश यादव ने बारीकी के साथ जानकारी ली। इसके अलावा मेट्रो स्टेशन का भी जायजा लिया। मेट्रो की कैसी सुरक्षा होनी चाहिए इस पर भी गहनता से चर्चा की। यूपीएसएसएफ के कमांडेंट राम सुरेश यादव आगरा की भौगोलिक स्थिति को पूरी तरीके से जानते और समझते हैं। आगरा में कमांडेंट राम सुरेश यादव सीओ सदर के पद पर रह चुके हैं। सी न्यूज के लिए राकेश कनौजिया की रिपोर्ट।